सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? ठीक है, तो वेलकम टू द न्यू सेशन. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अवेलेबिलिटी दिख रहा हो ना मैं स्क्रीन पर. ठीक है, तो सनम नैनिका टेक्नोलॉजीज, सनम नारायण प्रजापति, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाय विशाल, कैसे हो? हाय सनम, इट विजिबल एंड ऑडिबल? आज पीछे से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही? उस दिन पीछे से बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही थी, आज कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है? ऑल क्लियर? ठीक है, चलो चलो फिर. ठीक है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है. पिछली बार आवाज़ आ रही थी. ठीक है, तो अनअकैडमी शौर्य चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. पिछली बार हम बेसिकली हम इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर हमने इंडियन टेम्पल्स को डिस्कस करा है. इंडियन टेम्पल्स के बाद हम इंडियन डांस फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दो डांस फॉर्म्स रह गई थी, उसको ख़त्म कर लेंगे आज, और फिर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे. और आज हमारे दो लेक्चर है, एक अभी है 5 to 5:30 लेक्चर चलेगा, फिर एक हमारा लेक्चर है 9:30 to 10, जिसमें बची हुई पेंटिंग्स को भी हम देखेंगे जितना मैक्सिमम हो पाए. तो अभी के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है. करंटली आप अनअकैडमी शौर्य चैनल पे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो आपको मिलती रहे. तो इन बातों का आप ध्यान रखिए. यहां पर आप मुझे देख सकते हैं, दिस इज मी. ठीक है, दिस इज मी संजय कुमार, एक्स इंडियन आर्मी. यहां पर आप सिद्धांत सर को देख सकते हैं, प्रशांत सर को देख सकते हैं, विशाल सर, संदीप सर और दिव्या मैम को देख सकते हैं. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक CAPF का कोर्स आ रहा है आपका, CAPF का एक कंबाइंड कोर्स आ रहा है जो 5 February से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई तक चलेगा. ठीक है, जुलाई 2020 तक चलेगा. और इस कोर्स में आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मी, ठीक है, ये मेरी टीम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिद्धांत सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंग्लिश, और दो असिस्टेंट कमांडेंट्स, आपके असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत सर और दिव्या, ठीक है, और विशाल और संदीप, ये सब आपको पढ़ा रहे होंगे. जैसे विशाल सर करंट अफेयर, संदीप सर, और इसके साथ दो मतलब पूरी फोटो के अंदर इसके अंदर हमारे श्री प्रतीक सर भी हैं. तो ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज विच यू कैन फाइंड राइट नाउ इन द कंट्री, जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे. जो GS हम इस एग्जाम में पढ़ाएंगे वो आपको CDS में भी एप्लीकेबल होगी, ज्यादातर डिफेंस एग्जाम्स होंगे. सिमिलरली आपके लिए CDS का भी एक बैच कोर्स आएगा, जिसके अंदर ऐसे ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं. तो काइंडली इन कोर्सेज में अगर आपको इनरोल करना है तो उसके लिए पहले आपको अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन करना पड़ेगा. अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये वाला रेफरल कोड यूज करिए, SANJAYTWO लाइव, LIVE. ठीक है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एडमिशन लेते वक्त. ठीक है, ओके. आज हमारा जो टॉपिक होगा होगा पेंटिंग्स. ठीक है, पर पेंटिंग से पहले हम वो दो जो दो डांस फॉर्म्स बची थी वो भी खत्म कर लेंगे. ठीक है, और फिर पेंटिंग्स को आगे बढ़ा लेंगे. ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज मी एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी. ठीक है, पास आउट ऑफ द IIMC, CDS का रिटन एग्जामिनेशन और SSB मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था. ठीक है, फ्रॉम 34 SSB इलाहाबाद, स्टिंट एट इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर MHA एंड डिफेंस जर्नलिज्म, एक्सपर्ट इन जनरल स्टडीज, सिक्योरिटी रिलेशन, साइकोलॉजी एनालिसिस, SSB, IO इंटरव्यूज, इन सब पर मैं बहुत ध्यान केंद्र से बच्चे को सुधारने की कोशिश, इंजीनियर्ड अप्रोच को क्रॉस करने की कोशिश, और बेसिकली मेंटल एप्टीट्यूड को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ थ्रू अ मेंटोर एंड नेवर थ्रू यू, जो आपकी स्टैंडर्ड कोचिंग में सिखाया जाता है, जिसके अंदर आपके दिमाग के अंदर एक कॉपी पेस्ट आंसर चिपकाने की कोशिश करी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मुझे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में विद सीनियर आर्मी ऑफिसर्स देख सकते हैं, विद डिफेंस एनालिस्ट मेजर गौरव आर्या सर भी देख सकते हैं. सो आई हैव बीन मीटिंग वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इनसाइड द फोर्सेज. आई स्टिल कीप मीटिंग जो मेरे कोस्टमेट्स हैं, वो हैव रीच टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल, टू अंडरस्टैंड कि आज की नीड क्या है, सो दैट आई कैन गिव यू द बेस्ट नॉलेज. ठीक है, और ये भी एक रेफरल कोड है, तो आपके पास दो रेफरल कोड है, कोई भी यूज कर लीजिए. Sanjay2, इसको भी यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट है. संजय टू
लाइव भी यूज करेंगे तो उसमें भी 10% डिस्काउंट है। आप दोनों यूज नहीं कर सकते हैं, कहीं सोचे दोनों डाल देंगे, पहला डाल देंगे दूसरा डाल देंगे 20% हो जाएगा, वो नहीं होगा, इनमें से एक ही यूज हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ओनली वन कैन बी एप्लीकेबल, नॉट टू ऑफ देम, ठीक है। अपने किसी फ्रेंड को भी बता रहे तो प्लीज उसे एक ही दीजिएगा, ठीक है, दोनों नहीं चलेंगे। और ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, एक एमसीक्यू का कोर्स, एसएसबी प्रिपरेशन और दो एमसीक्यू कोर्सेज, ये आपका चल रहा है करंट अफेयर के ऊपर, ये आपका चल रहा है स्टैटिक एरिया के ऊपर, और ये मेरा एसएसबी पर कोर्स चल रहा है। इसमें जरूर एनरोलमेंट लीजिए और देखिए, और आपको पता लग जाएगा व्हाई दिस कोर्स इज सो डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कोर्सेज जो आपने यूट्यूब या किसी कोचिंग अकेडमी में देखे होंगे, ठीक है। एंड दीज आर द वेरियस कोर्सेज जो अलग अलग एजुकेटर के चक्कर, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले पेंटिंग्स पर जाने से पहले हमारे दो डांस रह गए थे, उनको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है गाइज, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो बच्चों के दो डांस रह गए थे उसे खत्म कर लेते हैं, यस और नो, ठीक है। तो हम मणिपुरी की बात कर रहे थे, ठीक है, मणिपुरी ऑरिजिन इसका भी भक्ति मूवमेंट और 14th और 15th सेंचुरी में हुआ है। और मणिपुरी में भी आप देखेंगे, जैसे ज्यादातर हमने पिछले डांसेस के अंदर देखा, एक कॉमन चीज देखने को मिल रही थी कि ये कृष्णा मूवमेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड थे, राधा मूवमेंट से, महाभारत से, वही मेजर थीम देखने को मिल रहा था। इसमें भी कुछ ऐसे ही था। तो भक्ति मूवमेंट ऑफ दी 14th एंड 15th सेंचुरी क्लासिकल डांस फ्रॉम मणिपुर रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट, इसमें भी वही ग्रेशियस फॉर्म देखने को मिलता है आपको, डिफरेंशिएट मणिपुर फ्रॉम द डांस स्टाइल्स, स्लो है ये, ध्यान में रखिए, स्लो है इसकी मूवमेंट, ग्रेशियस है इसकी मूवमेंट, ठीक है, स्लो एंड ग्रेशियस मूवमेंट, डिफरेंशिएट मणिपुरी फ्रॉम डिफरेंट स्टाइल, डेलिकेट आर्म मूवमेंट, जो हाथों का यूज है वो धीरे धीरे आराम आराम से करा जाता है इसके अंदर, डेलिकेट आर्म मूवमेंट एंड जेंटल फुटवर्क, ठीक है। तो जैसे ही बोल दिया जाए, पहली बात तो स्लो है, ग्रेशियस मूवमेंट है, ग्रेशियस मूवमेंट के साथ जो हाथों का यूसेज है वो धीरे धीरे करा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। फुटवर्क भी कम है कंपेयर टू, जैसे भरतनाट्यम में हाथों की मूवमेंट और भरतनाट्यम में पैरों की मूवमेंट बहुत तेज है, उसके रिलेटिवली बहुत स्लो है। थीम क्या है, राधा कृष्णा रोमांस, पॉपुलर लव टेल ऑफ खंबा तोयबी ऑफ मीथी लेजेंड्स, रासलीला, हमने कॉमन देखा है रासलीला, हमने पहले भी देखा कथक के अंदर भी देखने को मिला, ये हमें कॉमन थीम है रासलीला। अगर आप कथक कली की बात करेंगे उसमें भी हमने देखा कि महाभारत और रामायण थीम्स को लिया जाता है, इसके अंदर भी देखेंगे राधा कृष्ण रोमांस, रासलीला और खंबा थोईबी ऑफ मेथी लेजेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, चलो ठीक है। नीचे इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि कमेंट यहाँ पे सामने मोबाइल रखा हुआ है तो देखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार फोटो देख लीजिए, नजारा ले लीजिए फोटो का, ठीक है, सो दैट आपको तीन फोटो देखने को मिलेंगी। ये बेसिकली आपकी डांस फॉर्म है, ठीक है, मणिपुरी डांस फॉर्म की अलग अलग फोटोज आपको देख दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो रेपर्टॉयर इज डोमिनेटेड बाय द थीम्स फ्रॉम विष्णु पुराण, भगवत पुराण एंड गीता गोविंदा, ये शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जब राधा कृष्ण थीम हो गया तो पुराणों से ही चीजों को लिया जा रहा है, ये हमने पिछली डांस फॉर्म्स में भी देखा, ठीक है। तो डोमिनेट थीम क्या हो रहा है, विष्णु पुराण से थीम, भगवत पुराण से थीम और गीता गोविंदा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि यहां पर भगवान विष्णु को ही फोकस करा गया है, ठीक है। रिलीजियस डांस एंड एसोसिएटेड टू वैष्णव कल्ट ऑफ हिंदुइज्म, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो राधा कृष्ण लीला की बात करी जा रही है, रास लीला की बात करी जा रही है, तो विष्णु भगवान का इस पर बहुत ज्यादा वर्चस्व है, इसी ये जो डांस फॉर्म है भगवान विष्णु में ही आधारित आप मान सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, वहीं से काफी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हुई है। ऑरिजिनली परफॉर्म्ड ओनली इन, पहले सिर्फ मंदिरों से स्टार्ट हुआ था, एंड कंटिन्यूज टू परफॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल फैब्रिक ऑफ मणिपुर। मणिपुरी डांस वेदर फोक हो या क्लासिकल हो या मॉडर्न हो, इज डिवोशनल इन नेचर, परफॉर्म बोथ बाय मेन एंड वेमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसके अंदर मेन प्लस वेमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फोकस क्या है, अगेन वैष्णव कल्ट फोकस है, वैष्णव कल्ट फोकस है, ठीक है। और क्या फोकस है इसका, डिवोशनल इन नेचर है। डिवोशनल का मतलब है जैसे अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान के लिए जो अर्पित नृत्य है उसी से, उसी में से एक है ये, डिवोशनल इन नेचर है, भगवान की स्तुति करने के लिए यूज करा जाता है इसको, ठीक है। और ज्यादातर मणिपुर डांसेस तो पहले ये मंदिर में परफॉर्म होता था और इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस, और जो मणिपुरी जो सोशल फैब्रिक है उनका, ठीक है, जो उनका डिवोशनल फैब्रिक है उससे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है। इसकी ड्रेस भी थोड़ी अलग है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, मैं इधर से दिखाता हूं,
एक गोलाकार दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूमिन। आगे और अच्छे फोटो पे दिखाता हूं आपको, आप ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ये देखिए, दिख रहा है सबको, ये गोल वाला, इसमें शीशे लगे हुए हैं, ठीक है, मिरर लगे हुए हैं छोटे छोटे, या शीशे लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे मिरर लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो लहंगे की जगह पर है, ये जो लहंगे की जगह पर गोल चक्कर है, दिख रहा है आप सबको, देखने दो आपकी कमेंट। ठीक है, नैनिका पूछ रही है रेपरटॉयर। नैनिका, रेपरटॉयर का मतलब बेसिकली होता है, जो यहां पर आपने शब्द देखा, ये जो रेपरटॉयर इज डोमिनेट बाय दी थीम्स, रेपरटॉयर है मतलब कि उसमें जिस तरीके के गाने यूज करी जाते हैं, किस तरीके का प्ले यूज करा जाता है, मतलब उससे एसोसिएटेड गाने, प्ले, थीम, ठीक है, समझ में आया, जो थीम वगैरह यूज करा जाएगा वो भगवत पुराण, गीता, गोविंदा और विष्णु पुराण से लिया जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि जैसे कि जब हम रामलीला देखते हैं, तो रामलीला के अंदर आप देखते हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनी जाती है, ठीक है, उसके बीच में चौपाइयां चलती रहती है, तो एक मतलब आप रामलीला को अब हॉलीवुड गाने तो नहीं बजेंगे ना उसके अंदर, उसके अंदर जिस तरीके से वो चलती आ रही है, जिस तरीके से उसकी रचनात्मक करी गई है, उसी तरीके के गाने बजेंगे, उसी तरीके का प्ले होगा। तो यहां पर मणिपुरी में जो रेपरटॉयर डांस है, फॉर्म्स है, वो सारी की सारी विष्णु जी से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए। ठीक है, चलो, जब भी आए आप लोगों का कमेंट, ठीक है, ठीक है। तो सेलिब्रेट्स चेंजिंग सीजन्स, ठीक है, बदलते हुए सीजन को, ब्रीज, वार्मथ ऑफ सन, मॉनसून, तो जैसे जैसे सीजन्स बदलते हैं आपके, ठंड आती है, गर्मी आती है, उसको सेलिब्रेट करा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत इसको फेमस करा, मणिपुरी डांस को, इनिशिएटेड द स्टडी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मणिपुरी इन शांति निकेतन। म्यूजिक पंग इंस्ट्रूमेंट पीणा बांसुरी यूज करी जाती है। कॉस्ट्यूम वेरी कलरफुल, हमने देखा ये बहुत कलरफुल, कलरफुल आप देख रहे हैं, क्लोथ्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं जो यूज करी जा रही है, ठीक है। वेरी रिचली डेक फीमेल डांसर्स ड्रेस पोर्टलॉय, ठीक है। लहंगा इज कॉल्ड क्यूमिन विद मिरर वर्क वुमन इन टू दी गॉर्जियस डिजाइन एंड लेयर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट सिल्क। शांति कीर्तन, कीर्तन फॉर्म ऑफ सिंगिंग अकंपनाइंग डांस। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, ये सारे के सारे बेसिकली ये जो तीन पॉइंट है ये एमसीक्यू है, ठीक है। फीमेल डांसर की ड्रेस को क्या बोला गया, पोर्टलॉय। लहंगा को क्या बोला जा रहा है, क्यूमिन, ठीक है। लहंगों को क्या बोला जा रहा है, क्यूमिन, जिसके ऊपर मिरर वर्क भी करा हुआ है, शीशे की कारीगरी करी गई है उसके ऊपर, ठीक है, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो मैंने दिखा दिया था, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट डांस है क्लासिकल डांस में, दैट इज सत्रिया, असम, ठीक है। जैसे कि विशाल बोल रहा है, विशाल ये जो डांसेस है ये काफी हद तक नॉर्थ ईस्ट में आपको कॉमन देखने को मिल सकते हैं, किसी किसी स्टेट में, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल सकते हैं, बट जहां से ये स्टार्ट हुए और जहां से ये डोमिनेंट है हम उस जगह को लेंगे, ठीक है। इवन यू कैन फाइंड, यू नो, कर्नाटका में भी आपको भरतनाट्यम डांसर्स मिल जाएंगे, बट भरतनाट्यम इज एक्चुअली अ डांस ऑफ तमिलनाडु। तो तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर तुम्हें हरियाणवी मिल जाएंगी, बट एक्चुअल जो हरियाणवी है वो माना जाता है कि वो हरियाणा से आते होंगे, ठीक है। जैसे जाट्स आर कंसिडर्ड, देयर बेल्ट इज बेसिकली हरियाणा, ठीक है, जाट्स टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम पंजाब, सिमिलरली दिस डांस फॉर्म। आई होप दैट इज क्लियर टू यू विशाल, ठीक है, ठीक है। तो सत्रिया रिकग्नाइज इन ईयर 2000, इसे 2000 के अंदर रिकग्नाइज करा गया एज अ क्लासिकल डांस, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थियेट्रिकल एक्टिविटीज अंकिया भावना फॉर्म। तो ये बेसिकली जो सत्रिया है, जो सत्रिया ये बेसिकली एक तरीके का थिएटर फॉर्म था, जिसको लेटर ऑन क्लासिकल डांस की फॉर्म में इंक्लूड कर लिया गया। थीम मेथोलॉजिकल, इसके अंदर भी वही जो हमारे पौराणिक कथाओं हैं उसी पर आधारित है ये। डिवोशनल इन कैरेक्टर, इन्वॉल्व
भक्ति रसा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यहाँ पर भी भक्ति रसा, ये भी वैष्णव मूवमेंट पे है, जिससे पहले हमने मनुपुरी देखा। ज़्यादातर डांसेस जो हमने देखे हैं ये या तो भगवान शिव पर बेस्ड हैं, या फिर ये बेस्ड हैं आपके भगवान कृष्ण पर, या फिर रामायण की कहानियों के ऊपर, या महाभारत की कहानियों के ऊपर। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करा है वो रासलीला ने, कृष्ण की अलग अलग कहानियों ने करा है। और जब हम इंडियन पेंटिंग्स को भी देखते हैं तो इंडियन पेंटिंग्स पर भी इनका बहुत ज़्यादा, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, जहाँ पर भगवान कृष्ण की बात करी गई है, भगवान राम की बात करी गई है, इन सब का भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है हमारे पेंटिंग्स के ऊपर, डांसेस के ऊपर। एंड ऑब्वियसली कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हैव ऑल्सो टेकन प्लेस। ठीक है, सो इवॉल्व बाय वैष्णव सेंट शंकर देव इन 15th century। तो अगर आप देखेंगे शंकर देव की बात करेंगे 15th century की, तो अगेन ये कौन से हो रहा है, भक्ति कल्ट। ठीक है, आपको एक चीज रियलाइज हुई, मणिपुरी डांस की अगर हम बात करें, सत्रिया की डांस फॉर्म की बात करें, ये दोनों के, एंड फॉर दैट मैटर इवन कथक, ये सारी की सारी मिडेवल इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के टाइम पर है। ठीक है, सूफी मूवमेंट का काफी इंपैक्ट है आपके कथक के ऊपर, कथक के ऊपर भक्ति मूवमेंट का इंपैक्ट है कथक, और उसके बाद मणिपुरी की बात करें और सातरिया की बात करें, इस पर तो भक्ति मूवमेंट का प्रभाव स्पेसिफिकली है ही। तो ट्रेडिशनली डांस परफॉर्म बाय मेल मॉन्क्स भोगत्स, क्या बोला जाता था, भोगत्स, ध्यान में रखना। ठीक है, इन मॉनेस्ट्रीज एज पार्ट ऑफ देयर डेली रिचुअल्स। ठीक है, ओके, एक बार आप देख लीजिए, आंकिया नाट थिएटर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा यहां पर, एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो रिदम बीट एंड सेंसिटिव स्टाइल, जेंडर स्पेसिफिक, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मेलेडी, लोअर पार्ट इंटरप्रेटिंग रिदम्स, अभिनय एसेंशियल पार्ट, यानी एक्टिंग पार्ट हो गया आपका, बीट पे रिदम जो आपकी बीट है उसके हिसाब से नाचना है आपको, सेंसिटिव स्टाइल जेंडर स्पेसिफिक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मेलेडी के लिए यूज करी जाएगी, लोअर पार्ट बॉडी इंटरप्रेटिंग रिदम्स। सातराज आर मॉनेस्ट्रीज ऑफ द फॉलोइंग फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये एक तरीके से क्या है, जैसे मॉन्क्स थे आपके, जो बुद्धिज्म में अलग अलग आपके मॉन्क्स हुआ करते थे, जो आपके, जैसे हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं आपके, अगर आपने सुना हो, चैत्याज और विहाराज। ठीक है, तो विहाराज आपके क्या हो गए, विहाराज हो गए आपके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं ये आपके मॉन्क्स के, जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, और चैत्याज आपके क्या थे, जहां पर डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशन होगा, रिलीजियस डिस्कशन होगा, पूजा हो सकती है यहां पर। ठीक है, जहां पर रिलीजियस डिस्कशन के लिए, तो इसी तरीके से पैरेलल ड्रॉ करते हुए, ठीक है, तो जो भगवान विष्णु के जो मॉन्क्स थे उनके लिए था ये। ठीक है, भगवान विष्णु के लिए, तो सातराज थे और वहीं से डांस जन भी लेते हैं। आर द मॉनेस्ट्रीज ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु, म्यूजिक कॉम्पोजिशन वॉर्गीत शंकरदेव, कॉस्ट्यूम आसमी सिल्क, पैट सिल्क, थांडव एंड लास्या स्टाइल, इनिशियली बाय मेन, नाउ मेन एंड वुमेन ग्रुप एज अ डांस। तो बेसिकली पहले ये जो आपके भोगत्स थे, दीज आर मेल ओनली, तो ये जो डांस था ये मेल की तरह स्टार्ट हुआ था, बट आज की डेट के अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, मेल डांसर। ठीक है, ओके, एंड दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स बींग यूज्ड। ठीक है, ये तो हमने कर लिया ना। ठीक है, अब इंडियन पेंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, नाउ वी नीड टू स्टार्ट इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, इंडियन पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी दो डांस फॉर्म्स थी वो खत्म हो गई, तो हमारा टेंपल आर्किटेक्चर में नागरा स्टाइल खत्म हो गया, द्रविड़ा स्टाइल खत्म हो गया, वैसरा स्टाइल खत्म हो गया, और जो इंडियन क्लासिकल डांसेस हमने सारे कंप्लीट कर लिए। इससे पहले एक और वीडियोस हैं, दो वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने उन डांसेस को कवर करा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, और अब हमारा इंडियन पेंटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिक्स लिम्स और साधका एन्यूमरेटेड बाय वात्स्यायन इन हिज वर्क कामासूत्रा। ठीक है, तो इंडियन पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, इंडियन पेंटिंग्स की बात करने से पहले, आप जो वात्स्यायन है जिन्होंने कामासूत्रा को लिखा है, तो वात्स्यायन ने कामासूत्रा को लिखा था, तो उन्होंने छह लिम्स की बात करी है।
ठीक है, एन्यूमरेटेड जो इंडियन पेंटिंग्स में देखने को मिलती है, रूपा बेधा, नॉलेज ऑफ अपेयरेंस, कोई चीज दिख कैसे रही है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, परमाणाम, करेक्ट परसेप्शन, मेजर्ड एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जो चीज आपको दिख रही है क्या आप उसे सही परसेप्शन है आपका, सही मेजर्ड है और स्ट्रक्चर है, भाव, एक्शन ऑफ फीलिंग्स ऑन फॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे जिस तरीके से हमने डांस फॉर्म्स देखी वहां पर भी भाव की बहुत बात करी गई है, ठीक है। तो एक्शन ऑफ फीलिंग्स ऑन फॉर्म्स, लावण्या, योजनाम इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, फिर है सदृशाम, सिमिलिट्यूड एंड वरण का भंगा, आर्टिस्टिक मैनर ऑफ यूजिंग द ब्रश एंड कलर्स। तो बेसिकली ये छह जो चीजें हैं आपकी, रूपा भेदा, प्रणाम, भावा, लावण्या, सदृश्याम और वर्ण का भंगा, ये छह इंपॉर्टेंट पिलर्स बनती हैं इंडियन पेंटिंग्स की, ठीक है। तो ये यहां पर एक एमसीक्यू भी आ सकता है आपसे, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, पूछ लिया जाएगा रूपा भेदा, ठीक है, रूपा भेदा हो गई, प्रणाया, ठीक है, भाव हो गया आपका, लावण्या हो गया आपका, एक दो तीन चार और पांच और छह के अंदर आपका सद्रियासाम हो गया और वर्णिका भंगा हो गया। आपको भंगा से याद आता होगा, हमने उड़ीसी में भी पढ़ा था त्रिभंगा, ठीक है, अलग अलग तीन टाइप के भंगा थे, ठीक है, उन डांस फॉर्म्स के अंदर भी देखा था ये वर्ड, ठीक है। तो जो हमारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थी, अर्लियस्ट पेंटिंग्स एट केव्स कहाँ कहाँ पाई गई हैं, भीमबेटका, मिर्जापुर, होशंगाबाद, रायगढ़, रायचूर और पंचमढ़ी, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, अर्लियस्ट पेंटिंग्स एट केव्स, भीमबेटका, मिर्जापुर, होशंगाबाद, रायगढ़, रायचूर, पंचमढ़ी, ये आपको दिख भी रही होंगी, ये रहा भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है, मिर्जापुर, रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ दिख रहा है आपका आपको, ठीक है, और फिर कौन सा रहा, रायचूर, ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है, ये दिख गए आपको, अगर इनको स्टेट से मैच करके क्वेश्चन आना है तो वो भी हो जाएगा। एक चीज का और ध्यान में रखिए, जब आपको, जब मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, YouTube के ऊपर बेसिकली संक्षिप्त में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मैंने एक प्लस कोर्स भी करा हुआ है, उसमें आके आप इन चीज़ों को और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट यू नीड टू बी ऑन अकेडमी प्लस, ठीक है, फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बोल्ड लाइन्स, ऑकर रेड एंड येलो एंड स्टोन, एक रेड कलर देखने को मिलेगा, ये आपका कलर है ऑकरे रेड, बोल्ड लाइंस देखने को मिल रही हैं आपको, ठीक है, येलो अर्थ कलर्स, ये रहा येलो, ठीक है, बोल्ड लाइंस, क्या क्या फीचर है, इनकी फीचर की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की क्या क्या फीचर थी, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की क्या क्या फीचर है, मोटी मोटी लाइनों से बनी हुई है, पीले रंग का यूज करा हुआ है, लाल रंग का यूज करा हुआ है, एनिमल्स को ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एनिमल्स को ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, स्क्रैच्ड ऑन स्टोन, पत्थर पे बनाई गई है, नो हाउ टू मेक कलर एंड ब्रशेस सिमिलर टू पेंटिंग्स फाउंड इन लेसॉक्स इन फ्रांस, दिस इज वेरी गुड, फ्रांस में भी इस टाइम पर ऐसी पेंटिंग्स पाई गई हैं, ठीक है, फ्रांस में भी इस टाइप की पेंटिंग्स पाई गई हैं, बोल्ड लाइंस, विविड ऑकरे, रेड एंड येलो आर्ट कलर, स्क्रैच्ड ऑन स्टोन, नो हाउ टू मेक कलर्स एंड ब्रशेस सिमिलर टू पेंटिंग्स फाउंड इन लेसॉक्स इन फ्रांस, ठीक है। आप देखिए भीमबेटका पेंटिंग, ठीक है, तो भीमबेटका पेंटिंग, ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो साउथ एशियन रिचेस्ट कलेक्शन इन 1957 वीएस वाकंदर डिस्कवर्ड द भीमबेटका रॉक केव, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, तो वीएस वाकंदर डिस्कवर्ड द भीमबेटका रॉक केव, बहुत ही फेमस है ये, इनकी अगर आप गूगल पे डालोगे तो दुनिया भर के अवार्ड्स, काफी सारी चीजें आपको इनके बारे में पढ़ने को मिल जाएंगी। भीमबेटका के ऊपर तो यूपीएससी ने पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ दिए, भीमबेटका केव्स के बारे में, भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सी पेंटिंग्स के अंदर आ रही है आपकी,
ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के अंदर आ रही है, ठीक है, दिस इज प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स भीमबेटका, जब वो हम प्री हिस्टोरिक एज की बात करते हैं, जिसके अंदर हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस की जब हम बात कर रहे हैं, खासकर पैलियोलिथिक एज की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर भीमबेटका की पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इन 2003 यूनेस्को डिस्क्राइब द भीमबेटका रॉक केव्स एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका रॉक केव्स एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका एक तो वो जो स्टोन एज के टाइम का उस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं इससे, और फिर पेंटिंग्स वाला तो आर्ट एंड कल्चर है ही आपका, ठीक है, ओके। तो दिस बिलोंग्स टू थ्री पीरियड, जो आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, जैसे मैं बोल ही रहा था, यहां पर तो हम बेसिकली आपकी बात कर रहे हैं, राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट भीमबेटका पेंटिंग, अपर पैलियोलिथिक, वाइट डार्क रेड एंड ग्रीन लाइंस, एनिमल बाइसन एंड टाइगर, बाइसन हमने देखा भी था। मेसोलिथिक पेंटिंग में रेड स्मॉलर फिगरीन्स लॉस्ट देयर प्रोपोर्शन एंड नेचुरलिज्म, लेटर ग्रीन येलो कलर्स को यूज करा गया, बैटल सीन्स दिखाए गए विद मेन राइडिंग एलिफेंट्स और शिकार करते हुए दिखाया गया है, राइडिंग एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस विद स्पेयर बैरोस से फेंकते हुए, कॉमन थीम जो देखने को मिल रहा था वो था हंटिंग, ठीक है, स्टिक मैन, इमेजेस जो देखने को मिली शिवा दिखा, गणेशा दिखा, फ्लावर्स दिखे, ट्रीज दिखे, पेकॉक एंड डियर, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ी बार एक बार पेंटिंग्स देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, देन आई विल कम अगेन, ठीक है। तो यहां पर देखिए भीमबेटका का पेंटिंग अपर पैलियोलिथिक की जो स्टेज की बात करो, व्हाइट डार्क रेड ग्रीन, बाइसन आपको दिख रहा है, येलो दिख रहा है, मेसोलिथिक में रेड एंड हंटिंग, आप ये देखिए यहां पर मोटा मोटा बना रखा था, नेचुरल चीजें बनाने की कोशिश, अब यहां पर क्या है देखिए पतले लोग बनने लगे, किसी चीज पे चढ़ के आ रहे, रेड हो गया, हंटिंग थीम तो है ही, और यहां पर आप लेटर देखिए ग्रीन येलो बैटल सीन्स, ठीक है, ये भीमबेटका की स्टेजेस है। तो अगर आप स्टेजेस देखेंगे, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, ठीक है, लेटर ग्रीन येलो बैटल सीन्स, ठीक है। अब जो ठीक है, दिख रहा है आप सबको, ठीक है। तो गुप्ता इज की पेंटिंग्स, जो आगे की पेंटिंग्स है उसको हम बाद में उठाएंगे अगले लेसन के अंदर। अब अगली क्लास जो है हमारी वो है 9:30 PM टुडे, आज है, जहां पर हम इन पेंटिंग्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 9:30 PM टुडे, ठीक है। तो उसके बाद हम जो भी हमारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है जो भीमबेटका का देखा, और अगला जो टॉपिक है आपका बेसिकली गुप्ता इज पेंटिंग्स, इनको आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे, जिसके अंदर आपकी अलग अलग टाइप की राजपूताना, राजपूत पेंटिंग्स वगैरह भी आएगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, अब मिलेंगे हम आपके अगले वाले सेशन के अंदर जो होगा 9:30 PM पेंटिंग्स का। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद। और अगर अनअकैडमी पे आपको एडमिशन लेना है तो मेरा रेफरल कोड पक्का यूज करिए, रेफरल कोड है SANJAYTWOLIVE, संजय टू लाइफ, इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर बना रहे हैं डिफेंस कैटेगरी में, एडमिशन लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। देयर आर पीपल जिन्होंने, जैसे कि मैं हूँ, जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर, एग्जाम ही नहीं क्लियर करा है, बट दे हैव बीन ऑन दी अदर साइड, जो आपको SSB और अलग अलग चीज़ों में काफ़ी फोकस तरीके से चीज़ों को बता पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, जय हिंद।